उत्तराखंड की बेस्ट मॉडिफाइड बुलेट में से रहने वाली है ये। अब यहाँ से इसको पूरा अलग कर दो भैया, मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल, आप ट्राई मारो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली अपनी बीस्ट तैयार है बनके। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सनातन भारद्वाज और आप देख रहे हो SB ब्लॉग्स। तो सीन कुछ ऐसा है, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है अपने कमरे से, क्योंकि फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं अपनी बुलेट फुल्ली मॉडिफाई करने के प्लान में आ चुका हूँ। और मेरा सारा सामान वैसे भी अभी आ चुका है, सारा सामान अभी यही रूम पर पड़ा हुआ है। तो चेक करें गाइज, ये है अपनी बुलेट की सीट, देख सकते हो आफ्टर मार्केट सीट है। ये पड़ी मेरे को 3000 अराउंड। ये है रियर सीट, ये फ्रंट सीट के स्प्रिंग्स, ये है जेन्युइन अपनी नंबर प्लेट ताकि चलान ना हो। मेरी बुलेट है 2013 मॉडल, तो उसमें ये कंपलसरी है, वरना चलान हो सकता है भाई। और ये है HJG के इंडिकेटर्स, ये छोटे वाले बुलेट के इंडिकेटर्स हैं, अच्छे लगे तो मैंने ऑर्डर कर दिया। बाकी अपनी टेल टेड भी आ चुकी है, वो अभी शॉप में रखी हुई है। तो अपनी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, चार्जर वगैरह मैंने रख लिया है क्योंकि आज का पूरा दिन जाने वाला है, तो उस चक्कर में मैंने सारा सामान रख लिया है। तो ये रहा अपना सामान, हेलमेट, माउंट, चाबी, चार्जर, फ़ोन वगैरह सब रख लिया है। क्योंकि तो वैसे देखा जाए तो मैंने हल्का फुल्का ये अपनी लाइट चेंज करवाई है, यहाँ पे फोक गेटर्स लगवाए हैं जो किसी बुलेट में होते नहीं, तो मैंने ऑलरेडी कस्टमाइज़ करवा दिया था। बाद बाकी देखा जाए तो इसमें मैंने 150 नंबर का मिचलिन का टायर डाला है ऑफ रोड, और बाकी जितना बचा कुचा मॉडिफिकेशन है वो आज करेंगे हम। तो चलते हैं, एक तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया, बुलेट भी हैवी है, देखते हैं कैसे लेके जाते हैं। गियर अप हो चुके हैं, चलते हैं अब। आज स्लोली स्लोली जाना पड़ेगा क्योंकि अपने पे सामान बहुत है और मैं गिरने का रिस्क नहीं लेना चाहता। जब ये पूरी कस्टमाइज हो जाएगी तो उत्तराखंड की बेस्ट मॉडिफाइड बुलेट में से रहने वाली है ये। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि ऐसा मॉडिफिकेशन किसी ने करा नहीं होगा। सीरियसली, अपने बुलेट मॉडिफिकेशन के चक्कर में मैं कम से कम 2-3 महीने से वेट कर रहा था कि कब मेरे बुलेट का सामान आता है और कब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। फटाफट मॉडिफाई करके पहले तो घर वालों का रिएक्शन ही बहुत गंदा आने वाला है, क्योंकि फ्रंट मडगार्ड चॉप होगा, बैक मडगार्ड चॉप होगा। आज तो खैर ये बिना मडगार्ड के आने वाली है, करवाते हैं काम। हमेशा की तरह मेरे घर के रास्ते में गोपेश्वर का ये प्यारा सा व्यू। जय हो गोपीनाथ भगवान जी की दया दृष्टि बनाए रखें सब पे। तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम, देखते हैं गैस वेल्डिंग होगी कि नहीं होगी। भाई जी, गैस वेल्डिंग हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। इतनी खुशी मुझे बताता हूँ मैं, इसको पकड़ दो, लगा दो। कहाँ पे लगाऊँ गाड़ी? हाँ, वो पूरा मडगार्ड हट के अभी ये चॉप करवा रहा हूँ ना, ताकि जब मैं मडगार्ड लगाऊँ कटवा के तो वो बढ़िया तरीके से बैठ जाए। हाँ, सीधा मत कटवा। थैंक यू सर बताने के लिए, बहुत बहुत। ये हमारे भानु भाई है, ये भी अपनी बुलेट मॉडिफाई करते रहता है बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से। ऑल राइट, तो ये देख सकते हो आप, अपना काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से ये पूरा चॉप कर देंगे, फिर इसके बाद दिखाएंगे आपको कैसा लगेगा। अब यहाँ से इसको पूरा अलग कर दो। तो ये अपना कट चुका है, ये पूरा जाला साफ। अब इस ये पहले यहाँ पे हुआ करता था, अब इसको यहाँ पे वेल्ड करेंगे हम, यहाँ पे, और यहाँ से पूरा मडगार्ड अपना चॉप हो जाएगा, तब आएगा टायर का बूम लुक। ये अपना इधर से भी कट चुका है और मडगार्ड थोड़ा टेढ़ा हो गया था क्योंकि ये कट गया ना, तो उस वजह से मेरे को ऐसे रॉड डाल के पकड़ना पड़ रहा है। बाद बाकी इधर से पूरा बूम वाला स्पेस हो चुका है और इधर से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो रहा है। मज़ा आ जाएगा जब हो जाएगा, फाइनल टच होगा तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ फिर। तो फाइनली अपना मडगार्ड कट रहा है, अभी डेंटर भाई लग रखे हैं काटने पे।
साइड से कुछ ज़्यादा ही बूम लगने वाली है इसके बाद, मज़ा आएगा। ये चेक करें गाइस कितना चौड़ा टायर लग रहा, मडगार्ड कट चुका है, ये सब अपना वेस्ट है। अभी ये संभाल के रखेंगे और ये संभाल के रखेंगे ताकि कभी कुछ ऑल्टरेशन करना होगा तो काम आएगा। यहाँ तो काफ़ी देर के बाद यहाँ पे फ्रंट मडगार्ड भी कटवा दिया है, थोड़ा सा रह गया। यहाँ पे हमारे भाई फुल पावर यहाँ पे लगे हुए हैं मडगार्ड काटने पे। भाई भी बोल रहे हैं कि ये पहली बुलेट होगी जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं इस तरीके से। ये देखो, ये चेक करें पिछला पोर्शन, ब्रॉड टायर। फाइनली अपनी बुलेट का लुक ये रहने वाला है। पीछे का जितना भी काम था सब हो चुका है, फ्रंट का भी हो गया है। फ्रंट में ये आ रहा है हमारी बुलेट का लुक। अब बचा है ये लगना, ये ऐसी यहीं पीछे चल जाएगा, यहाँ पे छेद होके नट से पक्का, मतलब प्रॉपर तरीके से मडगार्ड अपना फिट हो जाएगा। तो अपने कासिम भाई बुलेट को फाइनल टच देने पे लग गए हैं कि अब लगवाते हैं सीट। तो चेक करें, ये है अपने बुलेट का ओवरऑल व्यू। आई नो अभी थोड़ी अनकम्प्लीट लग रही है, थोड़ी देर में इसे कंप्लीट करेंगे। तो अभी चल दिए हैं वहाँ से, वहाँ का काम तो हो चुका है, अब जाते हैं नीचे शॉप पे, सीट वगैरह फिट करवाते हैं, हैंडल वगैरह चेंज करवाते हैं। भाई इतना वेट करा ना, एक्चुअल में वैसे मॉडिफिकेशन के काम में ना बहुत टाइम लगता है क्योंकि आपको कई चीज़ें अपने तरीके से करवानी पड़ती है। ले भाई पकड़। अपनी बुलेट हो चुकी है पार्क, अब करेगा आमिर भाई इसमें अपने कारनामे। 2000 years later. अभी इसका मडगार्ड हमने उतार दिया है, ये रहा इसका मडगार्ड और पुरानी सीट। अब इसमें लग रही है ये सिंगल सीट, तो आमिर भाई लगे हुए हैं। तो मैं आपको पहले बताना भूल गया, मैंने इसमें बहुत ब्रॉड टायर डाला है, इसकी वजह से यहाँ पे हमको ये बैरिंग डालनी पड़ी। तो इधर का गैप देख सकते हो आप, तीन उंगली बराबर और इधर है एक उंगली बराबर, जस्ट बिकॉज क्योंकि इधर बैरिंग डाली है, इधर साइड फैल चुका है। तो ये देखो, इसमें अपने छोटे वाले इंडिकेटर्स, लेग गार्ड हमने हटा दिया और अब खोलने जा रहे हैं इसके स्टेयरिंग। इसमें भी कुछ हम यूनिक करने वाले हैं अलग हटके। सीधा करना है तो चेक करो गाइस क्या बूम लग रहा है ये हैंडल। तो फाइनली अपनी बुलेट कुछ रेडी हो चुकी है, ये ऐसा लुक कर दिया है। और फ्रंट से देखोगे आप तो भाई जीटी 350 जीटी ट्राई मार के आता हूं मैं इसका। अपनी बुलेट रेडी है, मतलब अभी ट्राई वगैरह सब ले लिया मैंने, एकदम बूम कंडीशन में। थोड़ा क्लच एडजस्ट करवा रहा हूँ मैं भाई से, सही है। तो भाई लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं, भाई लोगों को अच्छी लग गई बुलेट, फाइनली अपनी बीस्ट तैयार है बनके। चेक करें गाइस, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फैला दो वीडियो, वायरल कर दो। अच्छा हमको सिखा दिया है, दिखा दो तुम्हारे भाई का कितना अच्छा मॉडिफिकेशन है। चेक करें गाइस रिएक्शंस आ रहे हैं तगड़े। मुनियाल जी कैसी लगी आपको बाइक? मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई साहब कतई जहर। अभी तो पीछे 3 इंच जगह पूरी बची है और पीछे बैठ सकते हो आप। गाइस सीरियसली मैं बता नहीं सकता, इतने रिएक्शन मिल रहे अभी से। अभी इसमें कल नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या स्टिकर्स करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर जब वॉश होगी, स्टिकर्स होंगे, पॉलिश वगैरह होगी, तब जाके आएगा मज़ा। भैया मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल आप ट्राई मारो, कोई दिक्कत नहीं। सीज मत करवाना क्योंकि पीछे नंबर प्लेट नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा, मत कर जाना। तो गाइस रिएक्शन चेक कर रहे हैं, अंकल लोग तक देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। भाई मजा आ गया, सब
सबसे बढ़िया तुमने ये काम करा कि फूड रेस्टोरेंट आया बस। जब सिंगल सीटर है तो लोग खड़े होने को। हाँ तो गाइस सीरियसली अभी इतना मजा आ रहा है ना इस बुलेट को चलाने में, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 चला रहा हूँ। सीरियसली बहुत सही चल रही है कि इवन अब जो ज़्यादा अच्छी सी हैंडलिंग हो गई है जब से मैंने ये चेंज कराया है। बाकी यार अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई के, 500 सब्सक्राइबर करवा दो यार, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट करो अपना। अब लेके आएंगे आपके सामने दूसरा मॉडिफिकेशन जो कि स्टिकर्स का है, जल्दी स्टिकर्स भी करवाऊंगा मैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज सनातन भारद्वाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम द व्लॉग, टिल देन बाय बाय, बी सेफ, अच्छे से रहिए, सी यू सून।